नमस्कार विद्यार्थियों ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है हम अध्ययन करें कक्षा बारह और हमारा जो विषय है अनिवार्य हिंदी अनिवार्य हिंदी में हमारा जो अध्याय है पंद्रवा लेखक का नाम है उपेंद्रनाथ अश्क और जो उनकी रचना है तोलिए जिसमें बसंत और मधु के बीच में बातचीत होती है जो हमने पढ़ा था भाग एक के अंतर्गत और भाग दो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वह भी अपनी सहेलियों को अपने पास बुला लेती है रजाई में बैठने के लिए बिस्तर में बैठने के लिए और उसकी सहेलियाँ कहती कि तुम तो सफाई पसंद थी और तुम कैसे बदल गई हो तो वो कहते कुछ नहीं ऐसे नहीं कुछ नहीं है तो आ जाओ यहाँ बैठ जाओ क्योंकि सुर और चिंती उनके उसके पास में आती हैं तो बाद में वो चाय भी वहीं बिस्तर में मंगवा लेती है अपनी जो नौकरानी मंगला से मधु जो है तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि पहले तुम तो इतनी ज़्यादा सफ़ाई पसंद थी लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है किस प्रकार से तुम ऐसे करने लग गई हो तो वो कहते हैं कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है फिर वो कहते हैं कि जो चिंती कहती कि जो शुरू है वो कहती है कि पुष्पा की शादी हो रही है और चिंती कहती है कि वो लम्बा लंग, सा है आदमी है और जोर से हवा में चले तो उठ जाए ना इस प्रकार से बातें करती हैं और वो हंसने लग जाती हैं फिर कहती है चिंती कहती है कि वर्षों स्नान ग्रह का मुँह ने देखा हो ऐसे लगता है उसके चेहरे से मनुष्य टपकती है जो पुष्प पुष्पा जो है उसके पति के चेहरे से तो इतना कहते वह सभी हंसती हैं और मंगला जो है चाय की ट्रे लेके आ जाती हैं तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम कि किस प्रकार की उन सहेलियों में बातचीत हो रही है और आगे क्या होने वाला है तो आगे बढ़ते हैं हम इसी अध्याय में तो मंगला कहती है कहाँ लगाऊँ चाय बीबी जी अब मंगला भी पूछ रही है जो नौकरानी है तो कहती है कि जी ये चाय कहाँ रखूँ मैं तो मधु कहती है वहाँ मेज़ पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दे हमें दो यह तिपाही सर कर इस पर बिस्कुट रख दो शुरू आश्चर्य से पूछती है मधु अब देखिए पहले सभी मेज़ के ऊपर बैठ के चाय वगैरह पीते थे उसको भी ऐसे था कि मेज़ के ऊपर बैठ के वहीं पर ही कुर्सी पर बैठ के चाय पी जाए मेज़ पर चाय रखी जाए लेकिन वो कहती है कि नहीं ये चाय हमें दे दो और तिपाही सिरका कर बिस्कुट भी यहीं पे रख दो तो सुरु आश्चर्य से पूछती है मधु ये क्या हो रहा है मधु के आरे उठ कर कहाँ जाओगी यहीं बैठी रहो इस गर्म बिस्तर से उठ कर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मज़ा अब देखिए वो कहती है कि यहाँ से अपने गर्म बिस्तर में से उठ कर डाइनिंग टेबल पर जाएंगे ना तो चाय का कोई स्वाद नहीं आएगा तो चिमटी जो है उठने का प्रयास करती हुई हल्के से क्रोध से मधु मधु कहते हटाओ भी अब बैठी रहो यहीं अब यह चिंती जो वो भी सफाई पसंद थी क्योंकि वो उसी परिवेश में पली हुई हैं तो चिंती व्यंग्य से तो विवाह के बाद रानी मधुमालती ने अपने सब सिद्धांत बदल डाले हैं अब डाइनिंग टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है नोश मतलब कि खाना भी वहीं पर मंगवा लेती हैं खा लेती हैं तो शुरू कहती है कहाँ तो यह है कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती है और कहाँ यह है कि अब वो पहले कि उसको बता रही है कि तुम पहले कैसे करती थी क्या था तुम्हारा ना मधु कहती है अरे क्या रखा है इस तकल्लुफ़ में तकल्लुफ़ कहते हैं जो बाहरी दिखावा है ना उसमें क्या रखा हुआ है सच कहो इस समय किसी किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाए लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ ठंडी हो रही है अब सब चाय के प्याला उठा लेती हैं और चाय पीते पीते बातें करती हैं क्योंकि तीनों सहलियाँ इकट्ठी हुई हैं काफ़ी समय के बाद में तो ये बातचीत रही हैं सुरु पूछ कहती है कि मैं पूछती हूँ अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए तो मधु कहती है तो क्या होगा चादर दुलवाई जा सकती है और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज़ के सुख आराम को तो नहीं छोड़ देता वो मधु खुद ही कह रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा सफाई पसंद थी तो कहती कि थोड़ा सा जो सुख है जो हमें सुख आराम और मिल रहा है तो उसको थोड़ी हम छोड़ सकते हैं रोजाना जो मिलने वाले सुख आराम को कि कोई दुर्घटना घटित हो जाएगी तो सुरो कहते हैं सुख आराम व्यंग्य से हंसती है वो तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो और फिर हंसती है वो कहती है कि बिस्तर में जो चाय पीना हो तुम सुख समझ रही हो कि उसको तो चिंती और फिर सभ्यता संस्कृति अब सभ्यता संस्कृति क्या है कि सफाई पसंद होना है ना इस प्रकार के जो भाव हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है तो मधु कहती है मानव के आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरा वर्ग सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा और जो सोसाइटी है समाज के लिए एक जो वर्ग है वो सदैव असभ्य और असंस्कृत रहेगा फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे और शुरू कहती यह तुम क्या कह रही हो क्या तुम नहीं चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझ कर मनुष्य फिर पहले की भांति बरबर बन जाए अब ये सुरो और जो चिंती है ना वापस कह रही है कि तुम तो अब ये क्या ऐसे बन रही हो तुम अपनी जो सभ्यता और संस्कृति उसको छोड़ रही हो जो सफाई पसंद थी तो तुम अपने उस भाव को छोड़ रही हो तो मधु कहते नहीं बर्बर -बर बनने की क्या जरूरत है मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले मध्य का मार्ग क्यों अपना ना अपनाए न इतना खुले की बरबर दिखाई दें न इतना बंदे की सन की महात्मा बुद्ध ने कहा था अब महात्मा बुद्ध ने कहा था उस बात को वो त्यागते हैं तो वो कह रहे हैं कि जो महात्मा बुद्ध ने कहा था तो उसके अनुसार क्या कहा था तो चलिए कि शुरू असकर कहते हैं महात्मा बुद्ध तुम्हें हो क्या गया है सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो तो वो कहती है कि जो पुरानी सभ्यता थी यानी कि लोग जो है मिलजुल कर बैठ के करते थे इस प्रकार से और जो सफाई वगैरह नहीं रखते थे क्या तुम उसी पुरानी जो सड़ी गले विचार है उनको लेके अभी भी चल रही हो क्या तो चिंती कहती है मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं अब बार बार उसको उकसा रही हैं वो मधु को जो कि मधु जो है अपने पुराने जो व्यवहार था जिसमें हर तरफ वो सफाई पसंद करती थी बिस्तर में बैठना बैठ चाय पीना भी पसंद नहीं था उसको तो ऐसे जो विचार थे उनको वो त्याग चुकी थी लेकिन सुर और जो चिंती वापस उसके अंदर वही भाव जगा भाव जगा रही हैं और वो कहती हैं हर प्रकार से बता रही हैं कि मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है आज के सिद्धांत कल काम न देंगे और कल के परसों वर्णाडसा और ये वर्नाडसा का उदाहरण दे रही हैं ले, <coughs> लेकिन मधु जो व्यंग्य संस्कर वर्नाडसा हटाओ क्या बेमजा बहस ले बैठी हो तो वो कहती हैं कि चलो छोड़ो अब जो है तुम चाय पियो मंगला चाय का एक एक कप और बनाओ अब चिंती कहते बस भाई अब तो चलेंगे इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए मंगला हाथ धुला दो हमारे अब वो मंगला से कह रही है क्योंकि चिंती और जो सुर है ना वो भी काफ़ी सफाई पसंद थी तो उन्हीं के जैसे ये मधु का व्यवहार भी था तो मधु और ये सभी जो है सफाई पसंद पसंद हैं तो उसी को अपनी ये सभ्यता संस्कृति मानती हैं तो मधु कहती है अरे भाई एक एक प्याला और तो लो तो सुर कहते हैं नहीं मधु अब चलेंगे वहाँ सब लोग स्टेशन हो रहे होंगे हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रही हैं एक आध घंटे में लौट आएंगे और यहाँ आते ही आते दो घंटे लग गए अब चिंती कहते स्नान घर किधर है हम वहीं हाथ धो लेते हैं अब क्योंकि चिंती ने कहा था कि अब अब हम जो है हाथ धो लें तो कहती कि आपका स्नान घर किधर है मधु कहते अरे कहाँ धोओगी इस सर्दी में हाथ शुरू कहते नहीं भाई हाथ तो हम जरूर धोएंगे चिप चिप कर रहे हैं मधु कहती है तो मरो यानी कि मजाक व्यंग्यात्मक रूप से तो मंगला से कहती है मंगला इनके हाथ धुलवा दो सुरो कहती है बाथरूम अब बाथरूम कहाँ है वो भी पूछ रही है सुरो भी पूछ रही है मधु कहती है कि अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी इधर बरामदे में ही धो लो तो किवाड़ खोल कर सुरो और चिंती हाथ धोती हैं मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती हैं अब सुरु जो है गिले हाथ लिए वापस आकर तोलिया कहाँ है अब वापस देखिए वाप जो है घटना जो हो रही है घूम फिर के जो बात है वापस तोलिए पे आ रही है अब तो मधु कहते तोलिया नहीं दे गई दे गई मंगला अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है तो सुरो क्रोध से मधु तुम भली भांति जानती हो अब क्या जानती हो कि जो बिना किसी का लगाया हुआ यानी कि साफ़ जो तोलिया हमें चाहिए जो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया हो तो मधु <coughs> मंगला इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तोलिया ला दो चिंती भी गिले हाथ लिए आ जाती है मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पहुँचती हैं अब देखिए कितना अधिक दिखावटीपन इसमें जो लेखक है वो बता रहे हैं मधुर और इसके माध्यम से सुरोर और चिंती के माध्यम से भी कि वो भी जो है जो टंगा हुआ तोले उससे हाथ पहुँचना नहीं चाहती मधु मधु कहती है मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठती चिंती नहीं भैया अब कल आने का प्रयास करेंगी हाथ पहुँच कर तोलियाँ कुर्सी की पीठ पर रख देती हैं मधु जो है प्रयास नहीं जरूर आना भूलना नहीं और खाना भी यहीं खाना सुरो कहती है हाँ हाँ अवश्य आएंगी मधु उठने का प्रयास करती है अब उठने का तकल्लुफ़ न करो बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ़ में अब शुरू उसको कह रही कि तुम बैठी रहो गर्म लिहाफ़ के अंदर ही रजाई में बैठी रहो तकल्लुफ़ यानी कि किसी प्रकार की तकलीफ़ मत करो तुम दरवाज़ा हम बंद किए जाती हैं बर्फ़ सी हवा अंदर आ रही है और हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती हैं फिर मधु कहती है मुझे एक प्याला और बना दो मंगला अब क्योंकि वो चाय बना के लेके आई थी मंगला तो कहती है मुझे एक प्याला चाय का और दे दो तो मंगला जो है चाय का प्याला बना कर देती है और पूछती है कि ये कौन थी बीबी जी तो मधु कहती मेरी सहेलियाँ थीं कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी अब ये हॉस्टल की सहेलियाँ थी इसकी कॉलेज में साथ पढ़ती थी ये और फिर कुछ क्षण जो चुपचाप चाय पीती है फिर कहती है मंगला मंगला कहती जी बीबी जी तो मधु कहती मंगला ज़रा मेरी ओर देख बता दो तो क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ अब क्योंकि ये ऐसा क्यों पूछ रही है मधु जो है क्योंकि सुरो और चिंती ने कहा था कि तुम तो बहुत ज़्यादा बदल गई हो तुम्हारे जो विचार थे जो सभ्यता जो संस्कृति जो जो थी वो तुमने छोड़ दी है तो मंगला से पूछ रहे कि जरा यहाँ आके बताओ सही क्या मैं सचमुच में बदल गई हूँ क्या तो मंगला चुप रहती है मधु कहती जैसे अपने आप से मेरी सहेलियाँ कहती हैं मैं बदल गई हूँ पड़ोसने भी यही कहती हैं मेरी और जरा देख बता तो मंगला क्या मैं वास्तव में बदल चुकी हूँ मंगला कहती है मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ बीबी जी मैं क्या जानूँ वो कहती है कि मैं क्या बता सकती हूँ कि आप बदली है या नहीं बदली कोई दूसरा ही बता है आपको कि मैं तो आपके पास ही रहती हूँ मुझे बदलाव का क्या पता लगेगा तो मधु अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं मेरी आंखों में देख बता मंगला क्या ये बदल सक सकी हैं क्या ये बदल गई हैं क्या इनमें घृणा की झलक तो नहीं है तो मंगला के आश्चर्य से पूछे घृणा वो कैसे तो मधु कहती है मेरे व्यवहार में तकल्लुफ़ और बनावट तो नहीं यानी कि दिखावटीपन तो नहीं है बनावट तो नहीं है इसमें तो मंगला फिर उसी आश्चर्य से कहती है बनावट और तकल्लुफ़ मधु कहती है तकल्लुफ बनावट नफ़रत तीनों को मैं अपने दिल से निकाल देना चाहती हूँ जैसे अपने आप से दो महीने पहले भी इसी प्रकार इसी बात पर मुझसे लड़कर चले गए थे वो अपने आप से कह रही है कि जो तकल्लुफ़ है बाहरी दिखावा है बनावट है जो नफरत है ये तीनों चीज़ें मैं निकाल देना चाहती हूँ मन से और अपने आप ही मन से बात कर रही है कि दो महीने पहले वो मुझसे इसी बात पर लड़के चले गए थे तो मंगला क्या कह रही है बीबी जी आप बाबूजी तो अब बाबू जी तो यानी कि बात अधूरी रह गई है लेकिन मधु जो वो सुनने में देखती है यानी कि एकांत में शांत जो खालिस्तान है वो वहाँ देख रही है खाली जगह की ओर देख रही है उनका क्रोध अभी तक नहीं उतरा इन दो महीनों में उन्होंने मुझे एक पत्र भी नहीं लिखा मंगला कहती है एक एक पत्र भी नहीं लिखा लेकिन फिर मधु व्यंग्य से मैं कुशल से हूँ अपनी कुशलता का पता देना या मैनेजर बीमार हैं जो ही स्वस्थ हुए चलाऊँगा इन्हें तुम पत्र लिखना कहती हो वे मुझसे नाराज़ हैं उनका ख्याल है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ अब इसमें मधु कहती है कि वो पत्र लिखे हैं लेकिन पत्र में लिखा गया है कि मैं कुशल हूँ अपनी कुशलता का पता देना कि तुम कैसे हो है ना या फिर वो लिखते हैं कि मैनेजर बीमार हैं जो ही स्वस्थ हो जाएंगे तो चलाऊँगा क्या तुम इन्हें पत्र लिखना कहती हो क्या मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज़ हैं उनका ख्याल है कि मैंने उनसे घृणा मैं उनसे घृणा करती हूँ मंगला कहती है कि घृणा अब उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो कहती घृणा ये घृणा क्या है मधु कहती यदि मैं बचपन ही से ऐसे वातावरण में वातावरण में पली हूँ जहाँ सफाई और सलीके का बेहद ख्याल रखा जाता है तो इसमें मेरा क्या दोष अब देखिए मधु अपनी जो व्यथा है जो पीड़ा है वो बता रही है मंगला के सामने प्रकट कर रही है कि मैं बचपन से ऐसे वातावरण में पली हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा सफाई और सलीके का ध्यान रखा जाता है तो मैंने बचपन से वही सीखा है वही देखा है तो उसमें मेरा क्या दोष है अब लगभग भरे हुए गले से यानी कि दुखी होते कहती हैं वे सफ़ाई और व्यवस्था की मेरी इच्छा को घृणा बताती हैं वो कहते हैं कि मेरी जो सफ़ाई और व्यवस्था की जो इच्छा है ना तो उसको वो बताते हैं कि घृणा करती हूँ मैं मैं बहुत तेरा यत्न करती हूँ कि इस सब साफ सब वफाई को छोड़ दूँ इन तकल्लुफ़ात को तिलांजलि दे दूँ पर अपने इस प्रयास में कभी कभी मुझे अपने आप से घृणा होने लगती है तो उसमें लेखक कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है मधु के माध्यम से कह रहा है कि मैं बहुत प्रयत्न करती हूँ कि साफ़ सफ़ाई जो है उसको छोड़ दूँ जो बाहरी दिखावा है उसको तिलांजलि दे दूँ लेकिन चाहे कितना ही भी मैं कर लूँ लेकिन उन्हें लगता है कि मैं उनसे घृणा करती हूँ अब लंबी सांस भरकर बचपन से जो संस्कार मैंने पाए हैं उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं है और कहते बचपन से जो मैंने सीखा है तो उन संस्कारों में कैसे भूल सकती हूँ उनसे छुटकारा कैसे पा सकती हूँ फिर दृढ़ता से कहते पर नहीं मैं इन सब वहमों को छोड़ दूंगी पुरानी आदतों से छुटकारा पा लूँगी वे समझते हैं मैं उनसे नफरत करती हूँ और वो समझते हैं कि मैं उनसे नफरत करती हूँ तो मंगला कहती है आप क्या कह रही हैं बीबी जी और प्रश्न फिर पूछ रही है मधु कहती है वे समझती हैं मैं उनसे उनके स्वभाव से उनके वातावरण से उनकी हर बात से घृणा करती हूँ फिर वो सिसकने लगती है रोने लगती है कि मैंने इन दो महीनों में अपने आप को बदल डाला है अपने आप को बिल्कुल बदल डाला है और वो अपने आप से बात करेगी कि मैंने इन अपने आप को बदल दिया है दो महीनों के अंदर फिर अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और बसंत का प्रवेश होता है बसंत घर पे आ चुका है अब दो महीनों के बाद में हेलो मधु क्या हाल चाल है जनाब के अब मंगला से कहते हैं मंगला तांगे से सामान उतरवाऊँ और और यह लो डेढ़ रुपया तांगे वाले को दे दो अब ये बसंत कह रहा है मंगला से कि मंगला तांगे से सामान उतरवा दो और अपनी जेब में से पैसे निकाल के कहते हैं कि डेढ़ रुपये उसको तांगे वाले को दे दो मंगला पैसे लेकर चली जाती है फिर बसंत और मधु के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका वर्णन इसमें कर रहे हैं लेखक और फिर मधु के पास आते हुए क्यों भाई क्या हाल चाल हैं यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है जी कुछ खराब है क्या जी मतलब तबीयत कुछ खराब है क्या मधु कहती है सूखा जाड़ा पड़ रहा है अब पलंग से उतरती है और हंसने का प्रयास करती है और कहती है कि सूखा ज़्यादा पड़ रहा है यानी कि सर्दी पड़ रही है सूखी जुकाम है तीन मुझे तीन चार दिन से बसंत कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो सेहत 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 दुनिया में जो कुछ है सेहत है यानी कि स्वास्थ्य अगर है ना तो सब कुछ सही है जीवन में तुम्हारी यह सफाई और सुघरता यह नजाकते इतना काम नहीं देंगी जितना सेहत अब देखिए वापस जो बात कह रहे हैं जो बसंत है कहते हैं कि तुम्हारी जो साफ़ सफ़ाई है ना जो सुगड़ता है जो तुम ऐसे नजाकते करती हो यानी कि जो हर प्रकार से हर एक चीज़ को सफाई की दृष्टि से देखती हो तो ये काम नहीं आएंगे बल्कि जो स्वास्थ्य है ना वही काम आएगा यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब किस काम की और अगर ठीक है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर अपने कथन की बारीकी का स्वयं में आनंद लेता और फिर जैसे उसने पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा हो अरे यह काया पलट कैसे हो गई यह पलंग ड्राइंग रूम में कैसे आ गया और यह है ट्रे और प्याले और वो देख रहे हैं चारों तरफ कि ये काया पलट कैसे हो गई है जहाँ पे कुर्सी और मेज़ वगैरह लगे रहते थे वहाँ पे यह पलंग कैसे आ गया चाय के प्याले वगैरह कैसे पड़े हैं ट्रे कैसे पड़ी है ना तो मधु मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है, है कि आप और आपके मित्रों को ज़रा भी कष्ट ना हो मज़े से लिहाफ लेकर बैठिए टेलीफोन आपकी सराहनीय रहेगा अब मधु अपने आप का बदलावपन जो है बदला हुआ जो है स्वरूप तो उसको बता रही है तो आनंद से कहते हैं वाह मैं कहता हूँ तुम तो तुम तो बेहद अच्छी हो मधु मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाज में बैठी रही हूँ अब मधु कहती कि मेरी सहेलियाँ आई थी तो मैं भी उनके साथ में इसी लिहाज में बैठी थी बसंत आश्चर्य मिश्रित तुला से सच मधु जो है उसकी और प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखती है और चाय भी हमने यहीं पी है तो देखिए जिस चीज़ के लिए वो मना करती थी पहले बसंत को तो वही सारे कार्य कहती मैंने भी किए हैं बसंत प्रसन्नता से थे वाह मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ पाई हो जीवन का भेद बाहर है अब बाह्य तड़क भड़क में नहीं अंतर की दृढ़ता में है यदि यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति हमारी पावर ऑफ द रेजिस्टेंस कायम है कि जब हमारे अंदर की शक्ति रोग प्रतिरोध क्षमता है ना तो हम सही हैं दृढ़ हैं मधु चाहे भी आप अब आप यहीं पिया कीजिए अपने नरम नरम बिस्तर पर अब देखिए किस प्रकार से बदलाव आ चुका है तो बसंत अत्यंत उल्लास में कहता है वाह वाह अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखें अब तो आप नाराज नहीं हैं मधु रही हैं तो बसंत कहते हैं नाराज नाराज मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ मधुगहती आप इतने दिनों तक मन, मन में गुस्सा रख सकते हैं यह मैंने शोभन में भी न सोचा था बसंत फिर कहते हैं कि गुस्सा मधु कहते दो महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा तो पर बसंत कहते पर मैंने मधु कहती है पत्र लिखे थे जी मैं कुशल से हूँ अपनी कुशलता का पता देना इससे पत्र लिखना कहते होंगे बसंत ज़ोर से कह कहा लगाते इनकी हंसता है तो तुम इसका कारण यह समझते हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ पगली तुमसे भी कोई नाराज़ हो सकता है फिर मधु मधुकहति पर दो पंक्तियाँ क्यों लिखते थे तुम मधु बसंत कहते हैं कि दो पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया तुम इसी को बहुत समझो मधु कहती अच्छा आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए मैं चाय तैयार करती हूँ बसंत कहता कहता है कि मैं कहता हूँ तुम कितनी तुम कितनी तुम कितनी अच्छी हो और वो कह रहे बार बार कह रहे हैं कि तुम कितनी अच्छी हो फिर मधु जो मुस्कुरा के चली जाती है अच्छा अच्छा चलिए अपने हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए फिर बसंत कहता है यह है, फिर तुमने कपड़े बदलने की पख लगाई पख मतलब जो बात है रट लगा ली है कि कपड़े बदल लो अब देखिए वापस जो है व्यवहार कैसा हो रहा है इनका अभी आप देखिए वापस तो मधु कहती है क्यों कपड़े ना बदलीएगा एक रात और एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है चलिए चलिए जल्दी हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ अब वो कहती है कि जो ये एक रात और एक दिन के जो गाड़ी में सफ़र किया तो उसके कारण से तुम्हारा आपका जो शरीर है वो धूल से सारा सना हुआ है शरीर के ऊपर जो है कपड़े भी तुम्हारे आपके गंदे हो चुके हैं तो चलिए चलिए कपड़े बदलिए आप और मैं आपके लिए चाय चाय वगैरह तैयार करके लेकर आती हूँ बसंत को स्नान करके दरवाजे की ओर धकेल देती है और नौकरानी को आवाज देती है मंगला मंगला तो मंगला दूसरे दरवाजे से झाँकती है जी बीबी जी मधु सामान रखवा लिया ना है ना या नहीं तो मंगला कहती है जी बीबी जी रखवा लिए हैं तो जी बीबी जी का मतलब है कि हाँ रखवा लिए हैं तो मधु कहती है ट्रे और प्याले उठा पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा बाबूजी उधर हाथ मुंह धोने गए हैं मैं और पानी रखती हूँ इतने में यह पानी फेंक कर चायदानी और प्याली अच्छी तरह धो डाल फिर मंगला ट्रे ले आदि उठाती है और एक चम्मच गिर जाता है तो मधु फिर कुछ तीखे स्वर में यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने बीस बार कहा है कि चमचा नहीं गिराए कर फर्श पर चिपचिप होने लगती है अब ट्रे बाहर रख कर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल तो बसंत कहता है तो फिर बसंत आता है और बसंत कहता है कि अरे भाई साबुन कहाँ है तो मधुगति ध्यान से देखिए वहीं तख्ती पर पड़ा है बसंत कहता है और तोलिया तो मधुग्ती हाथ मुंह धोइए और इस कमरे में से सूखा नया तोलिया लेकर पहुँच लीजिए फिर मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगो कर लाती है और चुपचाप फर्श को साफ़ करती है और मधु से कहती है कि तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल और मैं पानी रखती हूँ चाय का फिर उसके बाद में रसोई दरवाज़े से चली जाती है कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ़ किए जाती है फिर बसंत हाथ मुंह धोकर कुर्ते की आस्ती ने चढ़ाए गुनगुनाता आता है हिंडोला कैसे झूलूँ मेरा जिया डोले रे मैं झूला कैसे झूलूँ मेरा जिया डोले रे और अपने ध्यान में मगन कुर्सी की पीठ पर पड़े उस तोली से मुँह पोछने लगता है जिससे सुर और चिंती हाथ मुँह पोछ कर गई थी और उसके बाद मधु जो है रसोई खाने से आती है यह केतली कैस कैसी बना रखी है मंगला तूने मनो तो मैल जमी है पैंदे में फिर केतली हाथ में लिए आ जाती है तुझे कभी बर्तन न साफ़ करने आए आएंगे मंगला कितनी बार कहा है कि सफाई का और फिर अचानक जो है बसंत को सुरो वाले तोले से मुंह पहुँचते हुए देखकर लगभग चीखते हुए यह सूखा नया तोलिया लिया है आपने मैं पूछती हूँ आप सूखे और गिरे तोलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते तमीज़ मतलब कि उसमें भेद नहीं कर सकते अभी तो सुरो और चिंती चाय पी इस तौलिए से हाथ पहुँच गई हैं अब देखिए बसंत वापस घबरा जाता है परंतु नया मधुगहती नया तोलिया उधर कमरे में टंका है बसंत ओह तो ये कम वक्त तोलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहता वास्तव में दोनों तोलिए साफ़ हैं मुझे अब फिर मधुहति जी साफ़ हैं ज़रा आंख खोल कर देखिए गिले और सूखे तो बसंत कहता है मैंने ऐनक उतार रखी है और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया फिर वो हंसता है मधु गहती जी आपकी दुनिया जाने आप किस दुनिया में रहती हैं अब तो ऐनक नहीं है ऐनक हो तो कौन सा आपके आपको कुछ दिखाई देता है और मुंह फुलाकर धम से कोच में धस जाती है देखिए पहले बार स्थिति वापस आ गई है इसमें वो मधु पहले कह रही थी कि मैंने ये सब नजाकते वगैरह सब कुछ छोड़ दिया है लेकिन वापस वो जो है अवसर पाने पर वे भाव जो वापस पुनः जागृत तो हो गए हैं तो बसंत कहते हैं यह तुमने फिर मूं लटका लिया नाराज़ हो गई हो क्या मधु व्यंग्य संस्कर नहीं मैं नाराज़ नहीं तो बसंत तो चिलाकर कहता तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह नहीं पहचान सकता अब देखिए वापस जो वही घटना घटित होने के बाद में तो वो चिलाकर बसंत कहते कि तुम्हारे ख्याल से मैं मूर्ख हो क्या जो नहीं पहचान सकता कि तुम किस बात पर नाराज़ होती हो और किस बात पर प्रसन्न रहती हो तो इतने में ही पर्दा गिर जाता है तो कहने का भाव ये है कि हम बाहरी जो दिखावटीपन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं ना कि जो वास्तविकता है हमें बाहरी जो दिखावा है उस पर ध्यान न देते हुए हमारे जो आंतरिक जो रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए यही इस अध्याय के अंतर्गत बताने का प्रयास किया गया है तो ये था हमारा अध्याय पंद्रवा उपेंद्र नाथ द्वारा लिखित तोलिए तो जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक जो तोलियों को लेकर ही मधु और बसंत के बीच में खींचतान चलती रहती है और अंत जो है वह भी उसी खींचतान के साथ ही होता है तो इसी के साथ ही हम हमने जो है हमारा पंद्रवा अध्याय पूर्ण किया है जो तीसरा भाग था तो इसी के साथ ही धन्यवाद